आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ ने गुरुवार को झाड़ू निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्टोरेट में ज्ञापन सौंपा। अतिथि शिक्षकों ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर से अंदर तक झाड़ू लगाई और नियमित करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के बैनर तले गुरुवार को बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और झाड़ू निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। अतिथि शिक्षकों ने विरोध स्वरूप कलेक्टर कार्यालय के बाहर से अंदर तक झाड़ू निकाली और नियमित करने की मांग की। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में बताया कि 14 सालों से अतिथि शिक्षक अल्प वेतन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन 2021 में नई भर्ती कर 50% अतिथि शिक्षकों को नौकरी से हटा दिया गया, जो न्यायपूर्ण नहीं है। अतिथि शिक्षकों ने कलेक्टोरेट में ज्ञापन सौंप 5 दिन में मांगे पूरी करने का अल्टीमेटम दिया। मांगे पूरी नहीं होने पर भोपाल में आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक मौजूद थे। सर, बहुत दुख के साथ कहने में आ रहा है, विगत 14 वर्षों तक हमारे अतिथि शिक्षक अल्प वेतनमान, काफ़ी शोषण हुआ है। उसके बाद भी सभी छोटे छोटे गांव, बड़े शहरों में भी अतिथि शिक्षक सेवा देते आ रहे हैं, और आज हमारा अतिथि शिक्षक रोजी रोटी के लिए मोहताज हो गया है, क्योंकि शासन ने अभी जो शिक्षकों की भर्ती निकाली है उसमें हमारे 12,000 अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो गए सर। और आज हमारे पूरे मध्य प्रदेश में 52 जिला अध्यक्षों द्वारा ज्ञापन अल्टीमेटम दिया गया 5 दिन के लिए, अगर हमारा निराकरण नहीं होता है तो 5 दिन के बाद हम राजधानी में अपना डेरा डालेंगे और वो समस्त जिम्मेदारी सर शासन प्रशासन की होगी।